हेलो दोस्तों, मैं ज्योति जैन आप सभी का अनुष्का एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, क्या आप आरएएस अधिकारी बनना चाहते हैं? क्या आप अपने कल्पना को ऊंची उड़ान देकर आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते हैं? तो बहुत जल्द आपका यह सपना पूरा होने वाला है। जी हां दोस्तों, क्योंकि आरएएस एग्जाम के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, तो बहुत जल्द ही आप सभी अपनी अपनी तैयारी के लिए जुट जाइए। इस वीडियो में आपको आरएएस एग्जाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आरएएस एग्जाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पद की। दोस्तों, जब भी कोई किसी एग्जाम के लिए वैकेंसी निकलती है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि पद कितने पदों के लिए वैकेंसी निकली है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं राज्य सेवा और अधीनस्थ सेवा के लिए पदों की संख्या की, तो यहाँ पर 905 पदों के लिए यह वैकेंसी निकली है। जी हाँ दोस्तों, 905 पदों के लिए इस वैकेंसी के लिए घोषणा हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। दोस्तों, जब भी हम कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि क्या मैं इस एग्जाम के लिए, इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मैं इसके लिए योग्य हूँ। दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि आरएएस एग्जाम के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, वह होनी चाहिए आपके स्नातक। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका स्नातक हो चुका है या फिर आप स्नातक के लास्ट ईयर में चल रहे हैं, तो आप इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका स्नातक का लास्ट ईयर चल रहा है या स्नातक हो चुका है, तो आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से आप अपने आवेदन करने की तैयारी कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं उम्र सीमा की, यानी कि आयु सीमा की बात करते हैं। दोस्तों, इसमें न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 40 वर्ष। दोस्तों, इसी के साथ आपको अवगत करा दूं कि जो ST, SC, OBC, EWS के पुरुष हैं, उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसी के साथ में जो ST, SC, OBC, EWS के महिलाएं हैं, उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। और इसी के साथ में जो जनरल महिलाएं हैं, उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। दोस्तों, विधवा और परित्यक्ता के लिए आयु सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। इसी के साथ बात करते हैं ऑनलाइन पंजीकरण की। जी हाँ दोस्तों, कि आपके आवेदन कब से शुरू होंगे? आपके आवेदन शुरू होंगे 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ में हम बात करते हैं परीक्षा तिथि की। दोस्तों, परीक्षा तिथि से हम यह बात कह सकते हैं कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि या तो सितंबर या फिर अक्टूबर, इन दोनों महीनों में कभी भी इसका एग्जाम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सितंबर या अक्टूबर में इसकी परीक्षा होने की संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। दोस्तों, जब भी कोई परीक्षा होती है, एग्जाम होता है, तो उसका प्रोसेस जानने का हमें बहुत ही रहता है कि हम इसका प्रोसेस कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, चयन प्रक्रिया की हम बात करें, तो यह चयन प्रक्रिया 3 चरण में पूरी होने वाली है। सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, यानी कि आपको प्री देना होगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा की बात होगी, यानी आपको मेंस का एग्जाम देना होगा। उसके बाद साक्षात्कार होगा, यानी कि इंटरव्यू। यानी ये 3 चरण में पूरा होगा, प्री, मेन तथा इंटरव्यू के साथ में। यानी आपको इस वक्त इसमें प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार के चरण से होकर गुजरना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं अनुष्का एकेडमी के मार्गदर्शक से आपको परिचित करवा देती हूँ, अनुष्का परिवार से परिचित करवाती हूँ। अनुष्का संस्थान के संस्थापक डॉक्टर SS सुराणा, अनुष्का संस्थान की अध्यक्षा कमला सुराणा, वहीं अनुष्का संस्थान के सचिव राजीव सुराणा सर तथा RAS, IAS, IFS, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, जो हमारे यहाँ पर हमेशा बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर रहते हैं, PC दामोर सर, SL बोहरा सर, विश्वत अभिन्ना सर, यह हमेशा बच्चों को मार्गदर्शन देते रहे हैं। आपको भी अगर RAS की परीक्षा की तैयारी करनी है, तो आपको भी इनसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा। समय समय पर मार्गदर्शन मिलने से बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा संस्थान जहां पर RAS के प्री के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू की तैयारी भी करवाई जाती है। दोस्तों, कई विद्यार्थियों की डिमांड पर बहुत जल्द ही हम RAS का नया बैच प्रारंभ करने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको अनुष्का अकेडमी विजिट करना पड़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ में मैं RAS परीक्षा के लिए जो पैटर्न होता है, जो
सिलेबस होता है उससे अवगत कराने के लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ राजनीति विज्ञान के व्याख्याता, राजनीति विज्ञान के ज्ञाता जगपाल सर को, कि वो आए और आपको सिलेबस के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें। हेलो फ्रेंड्स, अनुष्का के इस मंच पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जो है 2 वर्षों के अंतराल से जो है वो आरएस की वैकेंसी निकली है। ठीक है, हम बात करते हैं आरएस परीक्षा के पेपर पैटर्न पर। इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसकी अगर बात करें हम, तो ये 3 चरणों में संपन्न होती है, 3 स्टेज है इसकी। सबसे पहले जो है वो प्री एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा जिसको बोलते हैं, सबसे पहले प्री या प्रारंभिक परीक्षा। इस प्री एग्जाम में 150 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स। प्री एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जस्ट क्वालिफाइंग टेस्ट है। ठीक है, इसको खाली पास करना होता है। इसके जो मार्क्स है वो मेंस में या फाइनल सिलेक्शन में जो है वो नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो प्री एग्जाम है, सबसे पहले बात होती है प्री एग्जाम की। तो प्री एग्जाम में कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें अपन मेंस एग्जाम की, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य परीक्षा, मेन एग्जाम, मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1 जो है वो GK GS का, सेकंड पेपर भी GK GS का, थर्ड पेपर भी GK GS का, और फोर्थ पेपर जो होता है वो लैंग्वेज का होता है। ठीक है, बात करते हैं मेंस एग्जाम में पेपर 1 का। तो पेपर 1 के अंदर जो है वो इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर के साथ ही इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी, और साथ में जो है मैनेजमेंट का काफी पोर्शन और कुछ पोर्शन सोशियोलॉजी का जो है वो है। ठीक है, सेकंड पेपर जो है वो भी GK GS का है, जिसके अंदर ज्योग्राफी, इसमें इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और साथ में इथिक्स और जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो है। ठीक है, थर्ड पेपर में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, साथ में पब्लिक एड के साथ ही इसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स, राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था का पोर्शन जो है वो उसके अंदर है। फोर्थ पेपर जो है वो लैंग्वेज का है, जिसमें 120 नंबर की हिंदी है और 80 नंबर की जो है वो इंग्लिश है। ठीक है, तो इस तरह से जो मेन एग्जाम है, मेंस एग्जामिनेशन जो है वो लगभग वो 800 मार्क्स का है, 800 नंबर का है। ठीक है, और 100 नंबर का फिर साक्षात्कार, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, वो होता है 100 नंबर का, 100 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरह से जो है 3 स्टेज है। हम बात करते हैं सिलेबस की, तो आरएस का जो सिलेबस है वो इस तरह से 12 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हम हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में जो है, देखो हिस्ट्री में राजस्थान हिस्ट्री, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री के साथ साथ कल्चर, ठीक है, कला, साहित्य, परंपरा और विरासत, इस तरह से जो पहली जो यूनिट है वो है हिस्ट्री और कल्चर की, राजस्थान हिस्ट्री। सेकंड यूनिट की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री, जिसमें इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, प्राचीन यानी एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन यानी मेडिवल इंडिया, और थर्ड जो है वो मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। ठीक है, बात करते हैं तीसरी जो यूनिट है उसमें है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, साथ ही इसमें क्या है, राजस्थान का भूगोल भी है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान, ठीक है, हिस्ट्री में इंडिया और राजस्थान, ठीक है, साथ ही आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉलिटी की। तो इसमें पॉलिटी को 2 पार्ट में बांटा गया है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय शासन और राजनीति और भारत का संविधान, साथ में राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, बात करते हैं फिर इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और साथ में राजस्थान इकोनॉमी वाला पोर्शन जो है वो भी हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी में, साइंस की बात करें तो जनरल साइंस, कोई बेसिक साइंस जो होती है वो हमें पढ़नी होती है, न कि टेक्निकल साइंस। बेसिक साइंस जो होती है, जनरल साइंस जो होती है, 10th स्टैंडर्ड की जो साइंस होती है वो हमें पढ़नी होती है। बात करते हैं प्रौद्योगिकी की, जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स के साथ में जो चीजें होती है वही हमें पढ़नी होती है ना, करंट जो टेक्नोलॉजी होगी वो केवल और केवल कैसी होगी, वो करंट अफेयर्स के साथ जो है वो हमें उसके साथ देखनी है हमें, साथ में मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और इसके साथ में मैथ, जनरल मैथ्स जो है वो हमें देखनी है। साथ में करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो भी काफी बड़ा पोर्शन जो है वो करंट अफेयर्स का भी है। बात करते हैं 150 क्वेश्चन की। तो लगभग हर यूनिट से 18 से 20 क्वेश्चन जो है वो हमें एग्जाम में मिलते हैं। जैसे बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में, हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे हम इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री वाली यूनिट को जो है लगभग इसके 20 क्वेश्चन अगर होंगे, मान लो इसके अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग अब हम बात करते हैं 2 से 3 क्वेश्चन तो एंशियंट हिस्ट्री के होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन ही जो है वो मेडिवल इंडिया के होंगे, साथ ही 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न इंडिया के होंगे, बाकी बचे हुए 10-1 क्वेश्चन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री से होंगे। इधर अगर बात करें अपन ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के भी 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी के भी हमें मिलेंगे, लगभग इसमें भी राजस्थान के जो का जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा है, 10 से 12 क्वेश्चन राजस्थान के भी आते हैं इसके अंदर। ठीक है, साथ में
अगर बात करते हैं अपन पॉलिटी की तो 18 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, 2021 में राजस्थान पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आए, अन्यथा 10 क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी के और 10 क्वेश्चन जो है वो इंडियन पॉलिटी के, या 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान पॉलिटी के हमेशा देखने को मिलते हैं, लेकिन 2021 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी में विशेषकर अगर बात करें तो करंट इकोनॉमी के क्वेश्चन, बेसिक जो इकोनॉमिक्स है वो हमें नहीं पढ़नी है, बल्कि केवल और केवल जनरल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी में पढ़नी है, ठीक है। तो इसके साथ में अगर बात करें अपन इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में जो है वो करंट इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे, जिनमें लगभग 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक रिव्यू, जिसको हम आर्थिक समीक्षा कहते हैं, वहां से जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर बात करें अपन साइंस और टेक्नोलॉजी के, इसके भी लगभग 18 से 20 क्वेश्चन जो है वो होते हैं, लेकिन जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो करंट बेसिस होते हैं, ठीक है। जो अगर ये चीजें हमें करंट से पढ़नी होती है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के 10-10 क्वेश्चन जो है, और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के इतने इजी होती हैं कि वो सभी लोग जो है वो मैक्सिमम लोग सही करके आते हैं, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो भी जो है इनको सही करके आते हैं, राइट करके आते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स जो है ये काफी बड़ा पोर्शन है, लगभग इसके 25 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स, क्योंकि 15 क्वेश्चन के आसपास तो इकोनॉमी में मिल रहे हैं हमें करंट के, क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू जो है उसको पूरा हम उसको जो है समसामयिक इश्यूज के साथ, करंट मुद्दों के साथ में या समसामयिक इश्यूज के साथ जो है हम देखते हैं इनको, ठीक है। तो इस तरह से जो है 150 क्वेश्चन होते हैं और हर सब्जेक्ट के लगभग 18 से 20 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। कट ऑफ की अगर बात करें हम, तो कट ऑफ जो है अगर बात करते हैं, सबसे पहले जो है ये एग्जाम नए पैटर्न के साथ एग्जाम हुआ था 2013 में, तो 2013 की जो कट ऑफ थी वो जो इसकी कट ऑफ थी लगभग 79 मार्क्स के आसपास थी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात यही एग्जाम, ये एग्जाम कैंसिल हुआ था और 2015 में वापस एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम हुआ था, तो इस समय इसकी कट ऑफ नीचे आती हुई कितनी होगी, 63 रह गई थी, यानी 31.5%, ठीक है। 2016 में जो एग्जाम हुआ था आरएसपी, उसकी कट ऑफ भी लगभग 78 या 79 मार्क्स के आसपास रही थी। 2018 की जो कट ऑफ थी वो भी 74 या 75 के आसपास रही थी, 75 मार्क्स के आसपास रही थी। 2021 में सबसे ज्यादा कट ऑफ बढ़ी है और वो गई है अब तक 84 से थोड़ी ज्यादा गई थी, 85 के आसपास हम मान सकते हैं इसको। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ कब गई है, ये 2021 में गई है, ठीक है। तो कट ऑफ बढ़ी है, इसके अलावा कट ऑफ कभी भी आरएसपी की कट ऑफ जो है वो 40% से ऊपर कभी भी नहीं रही है, यानी इस बार जो है कट ऑफ की बात अगर करें अपन तो लगभग ये 90 मार्क्स के आसपास रहनी चाहिए, जो अगर एग्जाम पैटर्न, एग्जाम क्वेश्चंस या एग्जाम क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो अगर पिछली बार के जैसा रहता है, अब तक जो रहा है उसके जैसा रहता है, तो 90 मार्क्स के आसपास जो है ये कट ऑफ जो है वो रहनी चाहिए, इसके अलावा इससे ज्यादा कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना नहीं के बराबर है। तो बात करते हैं अपन, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो कट ऑफ को हमने डिस्कशन किया है। हमारे यहाँ पे जो है नए जो बैच है वो पहले से ही चल रहे हैं, 3 बैच पहले से चल रहे हैं, नया बैच जो है वो भी जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप सेंटर पे आकर के, अनुष्का एकेडमी पर आकर के आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सर द्वारा जो अभी विस्तार से सिलेबस के बारे में बताया गया आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अधिक से अधिक जानकारी के लिए अनुष्का एकेडमी पर जरूर विजिट कीजिए तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।